मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। क्या फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान की कुर्सी खतरे में है? क्या किसी की पहली नजर किंग खान के किंगडम पर कड़ी है? किंग खान के किंगडम में अपने पंजों से झपट्टा मारने वाला आखिर कौन हो सकता है? अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को क्या सलाह दी? डॉन 3 की कहानी में नया मोड़ क्या आ गया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के किंगडम में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में एक खबर आग की तरह फैल रही है और ये खबर है शाहरुख खान के किंगडम में किसी ने सेंध मारी की है। कौन है जिसने शाहरुख खान की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन 3 को उनके सामने से झपट लिया है? शाहरुख के हलक में हाथ डालकर उनका निवाला छीनने वाला शख्स कौन है? पिछले दिनों शाहरुख खान और फरहान अख्तर की सुपरहिट फिल्म डॉन 3 के बनने की खबर जोर शोर से आ रही थी। डॉन के निर्माता ने एक बातचीत में कहा था कि इन दिनों फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है, जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो जाएगी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि डॉन 3 में शाहरुख खान के साथ रणवीर सिंह को भी फाइनल कर लिया गया है। वैसे फरहान अख्तर और डॉन के निर्माता रितेश सिद्धवानी का रिश्ता रणवीर सिंह के साथ बहुत गहरा है। रणवीर की सुपरहिट फिल्म गली बॉय के निर्माता भी रितेश सिद्धवानी ही थे। फरहान अख्तर और उनके परिवार के साथ रणवीर की नजदीकियां जग जाहिर, तो ये भी संभव है कि डॉन के तीसरे भाग में शाहरुख के साथ साथ रणवीर को भी कास्ट किया जाएगा। वैसे शाहरुख खुद भी मानते हैं कि डॉन को रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। डॉन के तीसरे भाग में कोरोना के भी कहर को दिखाया जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। शाहरुख बताते हैं कि जब भी वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाते हैं वो कुछ सेकंड्स अपनी आंखें बंद कर ईश्वर को याद करते हैं, इसके बाद वो स्टेज पर आई लव यू ऑल कहकर रॉक करते हैं। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन और उनके बीच के एक वाक्या को शेयर करते हुए बताते हैं कि स्टारडम को लेकर बिग बी ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया था। शाहरुख खान बताते हैं कि एक बार वो एक फंक्शन में गए थे, उस वक्त उनके साथ वहां अमिताभ बच्चन भी मौजूद। शाहरुख की परफॉर्मेंस का वक्त होने वाला था, उस वक्त शाहरुख की उम्र कम थी। शाहरुख बताते हैं कि वहां अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, उनका भी परफॉर्मेंस होना था। शाहरुख अमिताभ बच्चन के पास गए और वो उनसे बात करने लगे, तो शाहरुख ने उनसे पूछा कि जब वो ऑन स्टेज जाने वाले होते हैं तो स्टेज पर जाने से पहले वो क्या करते हैं? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, आखिरी चीज जो स्टेज पर जाने से पहले करता हूं, पैंट की जिप चेक करता हूं। मैं भी सभी एक्टर को यही बताना चाहूंगा कि ये जरूरी है, मैं स्टेज पर जाने से पहले ये करता हूं अभी भी। शाहरुख ने बताया, अचानक अमित जी ने कहा, आप तुम बड़े स्टार बन गए हो, कुछ भी करोगे हमेशा गलत ही साबित होंगे, इसीलिए कभी भी कुछ ऐसा हो तो पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, मैं यंग था काफी उस वक्त। तो मैंने कहा, अगर गलती मेरी ना हो तो सर? तो वो बोले, यही तो कह रहा हूं, तो माफी मांग लेना और जहां जाओ झुककर बात करना। स्टार्स की भी अपनी लाइफ होती है, लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि जिस पेड़ में फल होते हैं उसकी डालियां झुकी होती हैं। अमिताभ बच्चन ने बहुत ही आसानी से शाहरुख खान को एक सीख दे दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डॉन 3 की कहानी फिर से लिखी जा रही है, क्योंकि उसमें नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि शाहरुख खान की इस फिल्म का आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप हमें ये भी बताइए कि शाहरुख खान की वो 5 फिल्में जो हमें घर पर बैठकर देखनी चाहिए,